વલસાડ જિલ્લાના વાપી તાલુકાના ખાનગી હોસ્પિટલમાં આરોગ્ય વિભાગના ચોપડે નોંધાયેલા દર્દીઓ મુજબ ઓક્સિજન સપ્લાય કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, જેમાં આરોગ્ય વિભાગના ચોપડે નોંધાયા વગર દર્દીઓને પણ સારવાર માટે દાખલ કરતા હોવાથી ખાનગી હોસ્પિટલની ડિમાન્ડ વધી રહી છે, જેને લઈને ગુરુવારે વાપીની ખાનગી હોસ્પિટલના સંચાલકોએ પૂરતા ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ પૂરી કરવાની માંગ સાથે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ ધામા રાખ્યા છે। ઘણી રજૂઆતો બાદ જિલ્લા કલેક્ટરે આરોગ્ય વિભાગને વાપીની ખાનગી હોસ્પિટલમાં કોવિડ વોર્ડમાં દાખલ થયેલા દર્દીઓની નોંધ લઈને તેમની રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ ઓક્સિજનનો જથ્થો આપવાની ખાતરી આપી હતી। વહીવટીતંત્રે ગુરુવારે મોડી સાંજે વાપીની તમામ ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓની નોંધ લીધા બાદ કોવિડની સારવાર માટે જરૂરી ઓક્સિજનનો પૂરતો જથ્થો આપવાની ખાતરી આપતા ખાનગી હોસ્પિટલના સંચાલકોએ હાશકારો મેળવ્યો હતો। ખાનગી હોસ્પિટલને આપવામાં આવેલી પરવાનગીથી વધુ દર્દીઓને દાખલ કરતા હોવાની ઓક્સિજનની ડિમાન્ડ વધી રહી હોવાનું વહીવટીતંત્રને ધ્યાનમાં આવ્યું છે। પરિસ્થિતિ વધુ વિકટ ન થાય તે માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્રે હોસ્પિટલમાં કોવિડ વોર્ડમાં દાખલ દર્દીઓની નોંધ લીધા બાદ તેમની જરૂરિયાત મુજબનો ઓક્સિજનનો જથ્થો આપવાની ખાતરી આપતા ખાનગી હોસ્પિટલને મોટી રાહત મળી હતી। મહત્વનું એ છે કે આજે વાપીની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજનની અછત સર્જાઈ હોય હોસ્પિટલ સંચાલકો દ્વારા બપોરે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી પોતાની રજૂઆત કરી હતી। બાદમાં હોસ્પિટલ સંચાલકો પોતાની રજૂઆતને લઈને કલેક્ટર પહોંચ્યા હતા। સંચાલકોની રજૂઆત બાદ તંત્ર દ્વારા જરૂરી ઓક્સિજન સપ્લાય કરવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે। वर्षा के बोल रही हूँ, मेरा भाई इधर संवेदना हॉस्पिटल में एडमिट है, चार पाँच दिन हो गए अभी तक, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, पर आज सुबह ही 12 बजे हम लोगों को पता चला है कि ऑक्सीजन नहीं है। वो 3 बजे तक का टाइम दिए उन लोगों ने कि हमको 3 बजे तक कहाँ से भी अरेंज करना है, तो हम कहाँ से करेंगे, हम तो साधारण लोग हैं, कहाँ पर जाएंगे, किसको मांगे, किसको बोलेंगे। तो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, ICU में एडमिट है सबके पेशेंट, हमारे सब पेशेंट इधर ही 10-15 पेशेंट हैं। अभी उनको 3 बजे के बाद फिर अभी कहाँ से ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, नहीं क्या करेंगे, अभी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि कुछ भी हो सकता है। और हॉस्पिटल वाला ने तो अभी फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही लिख के दे दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से नहीं आ रहा है, फिर आगे क्या है, फिर उसका अभी आप देखिए क्या करना है अभी सर के पास। ओके, ऑक्सीजन की सप्लाई की स्थिति बहुत खराब है, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है, यही कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में क्या निकलेगा। हर हॉस्पिटल के अंदर मैं सिर्फ अकेला नहीं खड़ा हूँ, मेरे साथ वाले मेरे साथी हॉस्पिटल वाले खड़े हैं या और भी लोग। कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन का सुचारू होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में भ्रमण करके देखेंगे तो हर हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट एडमिशन हैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उन्होंने अपनी मजबूरियाँ गिनाई, अब करना क्या है हमको। अगर ये पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन 10 सिलेंडर पे अपना हॉस्पिटल चलाते थे, आज उसी हॉस्पिटल के पास 100 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, तो ये समझ में आता है, लेकिन इसके लिए करना क्या है। हमारे पास शुरुआत में तकलीफ की, पहले मैक्सिमम वेंटिलेटर का अरेंजमेंट करा, हर हॉस्पिटल ने अपने स्टाफ को उस हिसाब से एजुकेट किया, ट्रेन किया, जो स्टाफ 8 घंटा काम करता था 16 घंटा काम कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता है, कोई हॉस्पिटल नहीं है जो कोरोना के पेशेंट को लेकर ट्रीट नहीं कर रहा है। आप कोई भी नाम आपके दिमाग में आए, एक दो छोड़ दें, मैटर्निटी सेंटर्स को छोड़ के, तो बाकी सारे हॉस्पिटल्स पेशेंट को लेकर और पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करने की वजह से स्प्रेड हुआ है। सेकेंड थिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल को रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई नहीं किया जाएगा। अभी थर्ड सबसे बड़ा पॉइंट, कलेक्टर ऑफिस ने ऑर्डर किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासननी छे, अने प्रशासन 2 दिवस पहला भी अमने के अमारे ऑक्सीजन सप्लाय ओछो छे, ऊपर ते अमारी के तकलीफ छे, ऑक्सीजन सप्लाय नहीं मिली सकते, अमे ए हिसाब थी मैनेजमेंट कर। प्रशासने अचानक आज सवारे डिक्लेर कर्युं के प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन नहीं मळशे, जे भी छे एनु 50% मळशे, बाकी बधो ऑक्सीजन नो सप्लाय जे छे गवर्नमेंट में जशे। हवे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जे दर्दी एडमिट छे એ લોકો માણસો છે, અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જે દર્દી એડમિટ છે એ માણસો નથી, એની જીવની કોઈ કિંમત નથી। આજની તારીખમાં પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ છે કે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ છે, દરેક દર્દીની એક કિંમત છે, અને પ્રશાસનને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલને મળીને સાથે આપણે કામ કરવું જ પડશે, અને આ કરવાની મજબૂરી છે। આશરે જિલ્લામાં કેટલા આવા પેશન્ટ છે કે જે અત્યારે ઓક્સિજન ઉપર હશે?
આશરે આજની તારીખમાં 1000+ પેશન્ટ એવા છે, ખાલી વાપીની વાત કરું મેં, 1000+ પેશન્ટ છે કે જેને 100% ઓક્સિજનની જરૂરિયાત છે. જો આવતા દિવસમાં નહીં મળે તો શું પરિસ્થિતિ થશે? આજના દિવસમાં જો ઓક્સિજન નહીં મળે એને 100% જે જવાબદાર રહેશે પ્રશાસનની મેનેજમેન્ટ જ રહેશે, અને 100% પ્રશાસનની મેનેજમેન્ટ રહેશે. આજની તારીખમાં 100+ કેઝ્યુઅલ્ટીસ થઈ શકે. તમે પેશન્ટના રિલેટિવને શું લેખિતમાં હવે શું જવાબ આપી રહ્યા છે? નવા પેશન્ટ નહીં લઈ શકતા અત્યારે એડમિટ છે. આજની તારીખમાં અમે પહેલાં તો જે એડમિશનને ઓપીડી છે એ બંધ કરી લખ્યું છે, બીકોઝ ઓફ અમારે સપ્લાય નથી. અને સેકન્ડ થિંગ, જે પેશન્ટ એડમિટ છે કે વેન્ટિલેટર પર છે એ લોકોને અમે રાઇટિંગમાં ડિક્લેર કરી દીધું છે કે પ્રશાસન તરફથી અમને ઓક્સિજન નથી મળતો મળે, અને તેના કારણથી કોઈની ડેથ થશે એનામાં હોસ્પિટલની જિમ્મેદારી નહીં રહેશે. वापी के तमाम हॉस्पिटल, छोटे बड़े जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं. रिसोर्सेज की कमी हो रही है. जो सबसे बड़ी जो आज आपको बुलाने का मकसद ये है, हम ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है. और हर कोरोना पेशेंट जो भी इंडोर होता है उसको ओटू चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. उसके बिना कोई भी हॉस्पिटल कोई कुछ नहीं कर पाएगा. तो ये सबसे अहम पॉइंट है. ऐसा है कि नए पेशेंट एडमिट नहीं हो सकते अभी? साहब, जो हमारे पेशेंट हैं, जो ऑक्सीजन पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, बाईपेप पे हैं, उनको हम प्रचुर मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं तो आप बताएं हम नए पेशेंट लेके क्या करेंगे? नए पेशेंट की स्थिति तब बनती है जब पुराने पेशेंट्स को हम वो चीज़ें उपलब्ध करा सकें. हम पेशेंट को सामने मरता हुआ नहीं देख सकते. अपनी कोशिश हम हर तरीके से करते हैं, ये सबसे अहम है. क्या बोल रहे हैं प्रशासन से? क्या जवाब? प्रशासन से बात हो रही है, वो कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं. हर किसी के अपने एक्सक्यूजेज हैं. उन्होंने, किसी ने बताया गांधीनगर से बात चल रही है, किसी ने बताया रिलायंस से बात चल रही है, लेकिन ये गांधीनगर रिलायंस के बीच में हर हॉस्पिटल के पास किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो एक दिन से ज़्यादा अपने पेशेंट को रिटेन कर पाए. तो अभी हमने रिलेटिव्स को भी यही कहा है कि आप अपने पेशेंट को शिफ्ट करें जहाँ भी आपको सुरक्षित लगता है, जहाँ भी आपको ऑक्सीजन मिलता है, वरना मुश्किल है हमारे लिए सर्वाइव करना. क्योंकि हमारे पास किसी के पास 4 घंटे का स्टॉक, किसी के पास 6 घंटे, किसी के पास 1 दिन के, उसके बाद क्या? और कैपेसिटी फुल है. अगर किसी के पास 50 पेशेंट है तो एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो बिना ओटू के सर्वाइव कर रहा है. उसका ओटू आप ऊपर नीचे कर दीजिए वो थपक. स्थिति ऐसी भवाया बनी. आज आपको बुलाने का पर्पस ही नहीं, तो इस तरह की स्थिति में मीडिया को बुलाने का कोई मतलब नहीं है. और हमने जितनी कोशिश लगानी थी, जितने भी हमारे सहकर्मी हॉस्पिटल है, सबने जितना प्रयास करना था करा है. अभी ये अभी से ज़्यादा नहीं हो सकता. अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो उन लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई का या जो रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई का जो चैन बनाया है वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है? रेमडेसिविर के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं, जवाब मिलता है, थोड़ी बहुत सप्लाई भी आती है. आप एकदम बोलेंगे कि एकदम लो है सप्लाई का, तो वो नहीं. तो हमारे पास भी एक ऑप्शन होता है कि हम पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दें रेमडेसिविर के केस में. वो अब रिलेटिव कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाते. बट ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है जिसका कुछ नहीं कर सकते. वो चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म. उससे ज़्यादा कुछ कम, उससे ज़्यादा कम चाहिए नहीं हमें. ऑक्सीजन का जो मैनेजमेंट है वो 100% जिम्मेदारी जो है प्रशासन की है. लोगों को, मेरा नाम मुकेश लक्ष्मण माली है. मैं डानू से आया हूँ, महाराष्ट्र से. यहाँ संवेदना हॉस्पिटल में पिछले 11 दिन से मेरा जीजाजी एडमिट है. वो इसमें गए ICU में, ऑक्सीजन पे है और उनका पूरा सपोर्ट ऑक्सीजन के ऊपर है. अगर उनको 15 मिनट भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका लाइफ का कुछ भी हो सकता है. इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन. क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने तो बोल दिया है हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, हमारे पास 16 घंटे का है, आप अपना पेशेंट को आप सोई करो. तो हम साधारण लोग कहाँ जाए और किसके पास? सरकार को, हमारा डिप्टी CM से बात कर रहे, कलेक्टर से हम लोग बात कर रहे, सब बात कर रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं. इससे बात करो, FDO से बात करो, कलेक्टर से बात, सब नंबर दे रहे और सबसे बात कर रहे, तो नया चीज़ बता रहे. तो ये अगर रेगुलराइज नहीं हुआ तो, और ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारा कम से कम 6 से 7 सब ऑक्सीजन पे होगा, क्रिटिकल कंडीशन. तो आप लोग से हमारी गुहार है आप मीडिया में कि आप ये चीज़ कीजिए और हमारी मदद कीजिए. मैं आपसे प्रार्थना है.